दोस्तों मेरे पास बहुत बार ये क्वेरी आती है कि कोकोपीट का कोई आप सब्स्टिट्यूट बताइए, कि अगर कोकोपीट हमारे पास ना हो और अगर हम ना ही खरीद सकें तो उसका सब्स्टिट्यूट कोई ऐसा बताइए कि कोकोपीट जो है क्यों, पहले तो ये बताइए कि कोकोपीट जरूरी क्यों है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब चीजें बताने वाली हूँ और सबसे बेस्ट वाला जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये जो कोकोपीट आप देख रहे हैं थोड़ी सी बारिश में भीग गई थी, इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो गया है और मैंने इसमें मिट्टी मिक्स करके इसे जो है तैयार कर लिया है। जितनी भी कटिंग्स है मैं इसमें ही लगाऊंगी क्योंकि ये मेरी घर की बनाई हुई कोकोपीट है और अभी तक मैंने कोकोपीट बाहर से नहीं ली है। एक बार मैंने ली भी थी तो इसमें और उसमें मुझे कोई खास अंतर नहीं लगा क्योंकि मेरी जो कोकोपीट है ये भी बेस्ट बनी है क्योंकि ये घर की बनी हुई है। इसमें हमने इसलिए कुछ भी ऐसी चीज ऐड नहीं की है कि अलग से कुछ ऐड किया है। तो मैंने इसमें सिर्फ सिंपल जो अपनी गार्डन सॉइल है वो मिक्स की है, वो भी केवल 20% ही डाली है, ज्यादा नहीं डाली है। बाकी ये पूरी की पूरी कोकोपीट ही है और अभी से मैं थोड़ा सा सुखा रही हूँ क्योंकि ये जो है थोड़ी ज्यादा गीली हो गई है। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया वाला सब्स्टिट्यूट बताती हूँ। कोकोपीट में वैसे भी ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं इसलिए कोकोपीट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों। ये आज इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद कभी कोकोपीट बहुत ज्यादा यूज नहीं की है। मैं बरसों से ये मूंगफली के छिलकों का जो बुरादा है ये यूज करती आ रही हूँ। मूंगफली के छिलकों को मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती हूँ और अपनी मिट्टी में इसी को मिक्स कर देती हूँ। और इसका आपको जरूरी नहीं है कि आप इसका मिट्टी मिक्स करके या इसका कोई अलग से खाद बनाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में मिक्स करके भी अपना कोई भी प्लांट इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरा होता है दोस्तों। इसलिए ये सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट जो है, सबसे पहला और सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट ये मूंगफली के छिलके ही हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके पौधों से रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत से तो लोग भी जो है मूंगफली के छिलकों को खुद खाते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी बीमारियां इनसे दूर होती हैं। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मूंगफली के छिलके कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके पास खाद ये नहीं है कोकोपीट तो आपका इसके बिना गुजारा चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल है छिलके तो आप इन्हें कभी मत फेंकिए क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज है। दूसरे आ जाते हैं सूखे पत्ते। सूखे पत्ते भी जो है बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिएंट्स वाले होते हैं। आपको पता ही है कि सूखे पत्ते की खाद भी अलग से मिलती है। अगर आपके पास खाद भी नहीं है तो आप जब भी कोई अपना नया पॉट तैयार करते हैं तो सबसे नीचे उसमें सूखे पत्तों को इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए। क्रश इसलिए करना है कि जिससे कि जल्दी ये डीकम्पोज हो जाते हैं और इन्हीं के ऊपर आप अपनी मिट्टी स्पॉटिंग मिक्स ऐड करके नया प्लांट आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो दूसरा सब्स्टिट्यूट जो है सूखे पत्ते हैं इसका, और आपको सूखे पत्ते जरूर कलेक्ट करके रखने चाहिए। जब भी आपको कहीं ये लगता है कि आप पत्ते जो है झड़ रहे हैं तो आपको उन्हें कलेक्ट करके रखिए और पैरों से उन्हें क्रश कर लीजिए क्योंकि आप उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में तो पीस नहीं सकते। तो मैंने आपको दो सब्स्टिट्यूट बताए हैं, ये सबसे मेन होते हैं और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं कोकोपीट के, तो वो भी आप जो है यूज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताती रहूंगी, जैसे जैसे चीजें मेरे सामने आती रहेंगी मैं आप लोगों को कोकोपीट के जो है सब्स्टिट्यूट बताती रहूंगी। तो ये देखिए, ये तो मैंने घर में ही बनाई थी क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करती हूँ चीजों को, इसलिए ये जो है मैं इसमें अब अपनी कटिंग्स लगाने वाली हूँ और इसी में मैं जो है ये ऐड करूंगी जिससे कि और ज्यादा जो है ये, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी जरूर चाहिए होते हैं पौधे को। अभी तो सिर्फ इसमें मिट्टी और खाद बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कोकोपीट ही है। तो मैंने इसमें जो है मूंगफली के छिलके भी ऐड कर लेने हैं जिससे कि मेरे जो पौधे हैं वो 100% रिजल्ट दिखा सकें। थोड़ी सी मैं इसमें खाद भी ऐड करूंगी, हालांकि किसी कटिंग को खाद की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेरी जो होममेड खाद है वो बहुत ही बढ़िया होती है और उसमें डायरेक्ट भी मैंने पौधे बहुत बार उगाए हुए हैं इसलिए मैं उसे जरूर ऐड करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी तरह के फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं, तो बहुत ही अच्छी मेरी खाद बनकर तैयार होती है। ये देखिए बिल्कुल भुरभुरी सी बनी हुई है, इसमें जो है मिट्टी बहुत कम है तो मिट्टी थोड़ी सी और ऐड कर दूंगी। वैसे कटिंग आप डायरेक्ट इसमें भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुझे इसे सुखाना पड़ेगा जिससे कि कटिंग के जो है चलने के चांस ज्यादा से ज्यादा हो। इसमें थोड़ी सी राख डालनी है मुझे, 2 चम्मच के करीब मैं इसमें राख भी ऐड कर दूंगी और सारी की सारी कटिंग्स मैं इसी में लगाने वाली हूँ। और जितने भी पॉट तैयार करूंगी वो नीचे जो है मैं उसमें भी सूखे पत्ते जरूर ऐड करूंगी क्योंकि सूखे पत्ते इन दिनों मार्च के महीने में बहुत ज्यादा झड़ने वाले हैं। पूरा पीपल वो जो है खाली हो जाता है और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ के पत्ते जो है इस टाइम पर झड़ जाते हैं और उनका जो है आपको बेस्ट यूज करना है। एक तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आप इस तरह के काम करते हैं। तो बस आपको एनवायरनमेंट को तो क्लीन करना ही है और साथ ही प्लांट्स उगाने के लिए आपको नए नए तरीके जो है इजाद करते रहने हैं, अपना खुद का दिमाग लगाना है। कोकोपीट का यूज जो है मॉइस्चर बनाए रखने के लिए होता है जनरली पौधों में।
तो ये चीजें, तो मॉइस्चर तो आपको इन सब चीजों से भी मिल जाएगा जो भी मैंने आपको मूंगफली के छिलके और ये पत्ते बताए हैं। और भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपनी होममेड कंपोस्ट का यूज करते हैं तो वो भी मॉइस्चर रिटेन करने में पूरी हेल्प करते हैं और आपके मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने में भी इनका पूरा योगदान होता है। क्योंकि अगर आप घर की बनी हुई खाद यूज करते हैं तो उससे भी पूरा मॉइस्चर बना रहता है। मैं कटिंग्स को लगाने में इन कंटेनर्स का, बिस्किट वाले जो कंटेनर्स होते हैं उनका ही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी प्लास्टिक अगर हम फेंकेंगे तो बेकार है। और जब तक ये कंटेनर ठीक ठाक है और बहुत दिन तक, दो दो साल तक भी ये कंटेनर्स का कुछ बिगड़ता नहीं है और मेरी कटिंग्स इनमें ही तैयार हो जाती हैं। और किसी को देना होता है तो बड़े आराम से दे देती हूँ, पॉट वगैरह की समस्या नहीं होती है और ले जाने में भी समस्या नहीं होती है। तो इसमें मैं 2-3 कटिंग्स लगाऊंगी, बहुत आराम से इसमें चल जाएगी। और अभी देखिए बहुत सारा मेरा बचा हुआ है, इन सब में भी मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। जितने भी पॉट्स खाली होंगे उन सब में कटिंग्स लगेंगी। यही आपको लगा लेनी है बहुत सारे फूलों की कटिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज पर वीडियो बनाऊं कि किस किस फूल की कटिंग आप जो है परमानेंट, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग जो है इस टाइम पर आप लगा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया वो पनपने वाली है। इसी टाइम पर फूलों और सब्जियों की कटिंग भी लगती है, तो मैं आपको सब्जियों की कटिंग के लिए मैंने बेड पूरा तैयार कर लिया है, उसका भी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने सब्जियों के लिए बेड तैयार किया है। तो उसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है और सब्जियां जो है मैं उगाने वाली हूँ, कौन कौन सी सब्जियां उगाने वाली हूँ वो भी आप लोग मेरी वीडियो में देखेंगे। इसी पॉटिंग मिक्स में मैंने जो है रेत भी ऐड कर लिया है, क्योंकि रेत भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बस ये मेरा बहुत ही बढ़िया सा एक कटिंग्स लगाने के लिए, या आपको कोई नया छोटा सा प्लांट भी आप सेपरेट करके लगाना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी से इसमें लगा सकते हैं। कोकोपीट को हम इस रेत में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मैंने आपको बताया मिट्टी। दोस्तों अगर आप लोग घर की बनी किसी भी तरह की खाद लेना चाहते हैं तो मुझसे परचेज भी कर सकते हैं, मार्केट रेट से हाफ पर आप लोग जो है ऑनलाइन ये सुविधा आप लोगों के लिए प्रदान की जाएगी। तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स भेजिए और एक व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप चैट के थ्रू आप लोग मुझसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, पत्तियों की खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मार्केट रेट से हाफ रेट पर आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी उठाइए अपने फोन, देर किस बात की है, और सस्ते में कर लीजिए गार्डनिंग। कुरियर के थ्रू आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगी आपकी जरूरत की ये सब चीजें, तो आप लोग जरूर कीजिए ये काम। और अगर आपको जरूरत है वाकई में सस्ते में गार्डनिंग करने की तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए मैंने क्लेंचो की कटिंग लगा दी है, फूल भी खिल गए हैं इसमें। बहुत ही आसान होता है, 10 दिन के अंदर अंदर जो है कटिंग आपकी बिल्कुल भी डाउन नहीं होती है इसकी। और इसको, इसका तो 100% रिजल्ट मैंने देखा है, इसके बहुत सारे आप प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। और ये देखिए छोटा सा स्पाइडर प्लांट भी मैंने यहाँ पर लगाया था और ये भी पूरी तरह से उग गया है। ये देखिए मैंने इसमें जो है सभी तरह की कटिंग्स लगाई हुई हैं। और ये जो प्लास्टिक के जो ये जिनमें आते हैं ना आपके नर्सरी से कोई भी पौधा आता है, तो इन्हें कभी नहीं फेंकना चाहिए, कटिंग्स के लिए लगाने के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनमें होल भी बने होते हैं। गुड़हल की कटिंग्स और ये वाली तो चलने भी लगी है थोड़ी थोड़ी सी, मुश्किल से 15 से 20 दिन के बीच में जो है सब कटिंग्स चल जाती हैं। ये देखिए इस कंटेनर में मैंने लगा रखी है ये पेंसिल कैक्टस, ये न्यू शूट्स भी इसमें से निकलने लग गई हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं ये भी। ये देखिए क्रोटन की में से भी ये छोटे छोटे से जो आप नजर आ रहे होंगे आपको, ये निकलने लग गई हैं नई जो इसमें से लीव्स निकलेंगी, चारों तरफ से इसमें छोटी छोटी सी लीव्स जो है निकलने लग गई हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आपको अगर कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।